हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज जेनेटिक मटेरियल और जीनोम के बारे में। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं इस पूरे अर्थ पे, डिफरेंट वैरायटी के जो आप स्पीशीज़ देखते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के जो आप ऑर्गेनिज़म देखते हैं इस पूरे बायोस्फीयर में, इस पूरे अर्थ में, उन ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग बेसिकली उनके ग्रुप वाइज अगर हम लोग कैटेगराइज़ करें तो एक हमारे पास है वायरस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायरस है। दूसरा हमारा बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, और यूकैरियोट्स में अगर हम लोग बात करें तो यूकैरियोट्स में प्लांट्स और एनिमल्स, ये मेन हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका जेनेटिक मेकअप होता है। क्लियर, यानी उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे उस ऑर्गेनिज्म का या उसकी स्पीसीज का जो कैरेक्टर है वो डिसाइड होता है। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, उसके कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करने के लिए, या उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसके कैरेक्टर्स को कांस्टेंट रखने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, जो बायोमोलिक्यूल यूज होता है, या जो बायोकेमिकल यूज होता है, उस बायोकेमिकल को हम लोग नाम देते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल के नाम से। क्लियर, तो जेनेटिक मटेरियल, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस में जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर सकता है। अलग अलग वायरसेस में, कुछ वायरसेस में डीएनए होगा, कुछ वायरसेस में आरएनए होगा, तो अलग अलग और वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर वायरसेस को छोड़ दें तो वायरसेस के बाद बैक्टीरिया, चाहे वो प्लांट या एनिमल का सेल हो, इन सभी में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डीएनए। यानी कि डीएनए हमारा सबसे मेन जेनेटिक मटेरियल है जो ऑर्गेनिज़म्स के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ऑर्गेनिज़म्स के कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। अब डीएनए चूंकि एक केमिकल है, और इस केमिकल को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो डीएनए बेसिकली हमारा बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड में दो वैरायटी आपको मिलती है, एक डीएनए और एक आरएनए। तो हालांकि जब हम इवोल्यूशन पीरियड में जाते हैं तो इवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि आरएनए दुनिया में सबसे पहले आया, लेकिन आरएनए दुनिया में पहले आने के बावजूद भी कुछ वायरसेस को छोड़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह उपस्थित नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आरएनए की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है डीएनए की तुलना में। अगर हम डीएनए से आरएनए को कंपेयर करेंगे तो आरएनए की स्टेबिलिटी काफ़ी कम मिलती है, जबकि डीएनए की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक जेनेटिक मटेरियल की ये रिक्वायरमेंट है, चूँकि उसको कैरेक्टर को कंट्रोल रखना है, कैरेक्टर्स को फिक्स रखना है, इसलिए ये पहला रिक्वायरमेंट हो जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल हो वो इस तरह का केमिकल हो जो कि स्टेबल हो और उसमें जल्दी बदलाव ना किए जाएं। ठीक है, आसानी से चेंजेस नहीं होने चाहिए, आसानी से बदलाव नहीं होने चाहिए, तभी वो उस स्पीसीज का या उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कंट्रोल रख पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, जो डिफरेंट वैरायटी मैंने इस पर बनाई है, सब में मेनली डीएनए है। तो डीएनए को हम लोगों ने कंसिडर किया था भी क्या, कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, और ये एक न्यूक्लिक एसिड है, और इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग लिखें तो इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये एक ऐसा केमिकल है जो कि एक पॉलीमर की तरह है। पॉलीमर यानी इसकी जो यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है, और उन न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा चेन है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके एक लंबा चेन बनाएंगे, काफ़ी लंबा चेन, जिनमें आप कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स, करोड़ों की संख्या में भी होंगे, क्योंकि जितने ही आप ऑर्गेनिज़म्स की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे, उनके जीनोम की साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक बहुत ही लंबा चेन है न्यूक्लियोटाइड्स का, पॉलीमर है, तो इस वजह से डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और पॉलीमर होने के नाते ये एक
अपना अलग स्ट्रक्चर शो करता है, जिसको हम इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और उसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, तो बताया था कि डीएनए हमारा जो होगा वो एक डबल हेलिकल मॉडल के फॉर्म में होता है। यानी अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए बिल्कुल इस तरह से आपका हेलिक्स बनाता हुआ एक मॉलिक्यूल है, इस तरीके से, ठीक है। और ये हेलिक्स आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ करके इसकी स्टेबिलिटी बनती है। और यही डीएनए फाइबर के फॉर्म में है, और यही डीएनए फाइबर की तरह मुड़ता हुआ धीरे धीरे क्या होता है कि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है, और बैक्टीरिया में यही न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन कर देता है, जबकि डीएनए आरएनए में ये डायरेक्टली छोटे से मॉलिक्यूल के फॉर्म में वायरसेस के केस में पड़ा होता है, ठीक है। तो वायरसेस में डायरेक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, और यूकैरियोट्स में यही डीएनए हमारा क्रोमोसोम बनाता है, और यही क्रोमोसोम पे जीन मौजूद होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे अगर हम इस डीएनए को यहाँ से बांट लें, ठीक है, तो ये इतने दूर का जो डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वही सीक्वेंस एक खास तरह का जीन बना सकता है। यानी जीन हमारा क्या हो गया, जीन हमारा डीएनए का ही एक कंपोनेंट है, एक खास सीक्वेंस है जो हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकता है। क्या कर सकता है, रेगुलेट एटलीस्ट वन कैरेक्टर, क्लियर। तो मिनिमम एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसे रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है डीएनए के, उनको हम लोग जीन बोलते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए, चूंकि इसका जो न्यूक्लिक एसिड का डिटेल है वो हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं इसके। तो जो जीन है, यही जीन का जो पूरा सेट होगा एक पूरे डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल में या क्रोमोसोम के पूरे सेट में, जो जीन के कंप्लीट सेट बनेंगे, वही सेट हमारे क्या कहलाते हैं, जीनोम कहलाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो भी होगा, उसमें जो जीन है, ठीक है, उस जीन का एक कंप्लीट सेट हमारा क्या बनाएगा, जीनोम बनाएगा। अब जीनोम के नंबर ऑफ सेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के कैसे होते हैं, जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में जनरली अगर हम जीनोम की बात करें, देखिए जीनोम को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को लिख लें। जीनोम को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इट इज कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक कंप्लीट सेट जो है जीन का, वो हमारा जीनोम कहलाता है। या इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट जो है वो भी हमारा जीनोम हो सकता है, क्लियर। और कोई डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए एक डेफिनेशन और ये बन जाती है कि अगर ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉयड है, पॉलीप्लॉयड यानी अभी उसकी भी बात हम लोग करेंगे, अगर ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉयड है तो पॉलीप्लॉयड में जीनोम एक बेसिक क्रोमोसोम सेट के बराबर होता है, ठीक है, तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं, इन केस ऑफ पॉलीप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जीनोम इज सेट ऑफ क्रोमोसोम विच रिप्रेजेंट बेसिक
क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, जो एक बेसिक क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से हम जीनोम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए, ये जो मैंने वर्ड लिखा पॉलीप्लॉयड, और नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड या डिप्लॉयड होते हैं, तो इन सबको भी समझा जाए। तो पहले हम लोग बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। बैक्टीरिया या वायरस में चूंकि ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते हैं, रियल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि सुपर कॉइल्ड फॉर्म में, उलझे हुए फॉर्म में सेल के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसलिए बैक्टीरिया में जो जीन का सेट होगा, वन सेट होगा, वन सेट ऑफ जीन्स, यानी ये जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसी तरह वायरस में भी यही होगा, वायरस में भी एक सेट होंगे जीन्स के जो हमारे जीनोम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन प्लांट या एनिमल सेल यानी यूकैरियोट्स में जब हम आते हैं, तो चूंकि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, डिस्क्रीट यूनिट्स मिलते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स के, तो ये डिस्क्रीट यूनिट्स अलग अलग नंबर में अलग अलग सेट्स में हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ ये समझिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो यूकैरियोट है, प्लांट है, एनिमल है या फंगस है, उसके केस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, उस क्रोमोसोम नंबर को हम लोग प्लॉयडी के रेफरेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्लॉयडी लेवल कहीं पे भी लिखा हुआ है, प्लॉयडी वर्ड कहीं पे भी लिखा हुआ है, यानी वो प्लॉयडी वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम्स के सेट्स को। तो आइए देखें कि इस क्रोमोसोम के सेट्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने तीन सेल बनाए हुए हैं, पहला सेल हैप्लॉयड है, दूसरा डिप्लॉयड है, और तीसरा ट्राइप्लॉयड है। ट्राइप्लॉयड या इससे ज़्यादा अगर हम लोग लिखते हैं टेट्रा पेंटा इस तरीके से, तो जब भी डिप्लॉयड से ज़्यादा कंडीशन होगी तो उसी को हम लोग पॉलीप्लॉयड कंडीशन में मान लेते हैं, ठीक है, पॉलीप्लॉयड कंडीशन में मान लेते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग हैप्लॉयड सेल को देखें, तो हैप्लॉयड सेल में आप देखिए दो क्रोमोसोम मैंने बनाया हुआ है, और दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम हैं, एक पे जीन है ए और बी, दूसरे पे जीन हमारा सी और डी है, ठीक है। यानी इस तरह से देखें तो एक और दो, दो क्रोमोसोम मिल करके ये हमारा एक सेट बना रहे हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक सेट बना रहे हैं क्रोमोसोम का, तो यही हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनोम, ठीक। लेकिन जब एक से डबल हुए, यानी उसी क्रोमोसोम्स के पेयर बनने लगे, ठीक है, तो जब क्रोमोसोम पेयर्ड होने लगते हैं तब हम उनको डिप्लॉयड कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। तो जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का पेयर बन गया, तो देख सकते हैं दो सेट हो गए हमारे पास, टू सेट, है ना। तो जब दो सेट्स हो जाएंगे क्रोमोसोम के, तो ईच सेट रिप्रेजेंट जीनोम, और तब यहां पे ये क्या कहलाएगा, ईच सेट यानी हाफ, इसका आधा हो गया, और आधे को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉयड, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हैप्लॉयड हो गया। लेकिन जब पॉलीप्लॉयड केस में आएंगे, तो आप देख सकते हैं तीन तीन के सेट बन रहे हैं, है ना, थ्री सेट्स हैं, या थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो तीन या तीन से जब ज़्यादा के सेट्स होंगे, तो इस केस में हमारा एक सिंगल सेट जो होगा, वन सेट, वो रिप्रेजेंट करेगा बेसिक क्रोमोसोम नंबर को, ठीक है। और जब बेसिक क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हैप्लॉयड कंडीशन को हम लोग एन से लिखते हैं, डिप्लॉयड को हम लोग टू एन लिखते हैं। लेकिन जब पॉलीप्लॉयड आ जाता है, जैसे ट्राइप्लॉयड है यहाँ पे, तो हम लोग इसको 3x लिखेंगे, एंड सो ऑन 4x, 5x। तो एक सिंगल एक्स की जो वैल्यू होगी, वही हमारा बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा, और तब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनोम, ठीक। तो प्लांट्स में पॉलीप्लॉयड कंडीशन बहुत कॉमन होता है, एनिमल्स में बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक एक जो सेट है, एक सेट क्रोमोसोम का यानी जीन का एक कंप्लीट सेट, तो नंबर ऑफ जितने सेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेट्स जीन के भी होंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनोम को। दूसरा, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम लोग चलें क्वांटिटेटिव फॉर्म में, ये तो क्वालिटेटिव फॉर्म की बात हम लोग कर रहे थे, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम डीएनए का मेजरमेंट भी ले सकते हैं, है ना। तो डीएनए का जो मेजरमेंट है, यानी डीएनए का एक जो हैप्लॉयड यूनिट होगा, ठीक,
उसमें जो डीएनए का अमाउंट होगा, अगर उसको वेट करें हम लोग, तो वे करने के बाद जो डीएनए का अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू। क्या बोलते हैं? सी वैल्यू। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम का सेट या जीनोम का सेट बढ़ेगा, वैसे वैसे सी वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे हैप्लॉयड सेल था, एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, जीनोम का, तो हम लोग यहाँ पर सी वैल्यू जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1C। जैसे ही दो सेट हो गया तो अब यहाँ पर सी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2C हो जाएगी। ठीक है, तीन सेट हो गया तो तीन सेट में सी वैल्यू हमारी 3C हो जाएगी। तो सी वैल्यू को रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सी वैल्यू को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ डीएनए इन पिकोग्राम प्रेजेंट इन जीनोम और हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? तो इस तरीके से जीनोम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने जीनोम और डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इसी जीनोम का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी पैकेजिंग देखेंगे, और फिर हम लोग उसके जेनेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि जो जीन्स उसमें मौजूद हैं वो किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और किस तरीके से उन जीन्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और किन किन जगहों पर उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। ओके,